नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत ग्यारकुंड उत्तर पंचायत की मुखिया काकुली मुखर्जी द्वारा मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के साथ आवासीय कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में आंगनबाड़ी की समस्या, बच्चों की उपस्थिति, बच्चों के आहार, सुकन्या योजना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद मुखिया काकुली मुखर्जी पंचायत में स्थित 6 बूथ 321, 322, पुराना पंचायत भवन 323, 324, प्राथमिक विद्यालय नरसिंह मंदिर 325 व 326, नया पंचायत भवन में बिजली, पानी, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत सचिव लालू रूहीदास, समीता पाल, मिलू घोष, प्रीति साहनी उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र के जितना सेविकाएं हैं सभी को हम बुलाए थे और हमारा रेसिडेंशियल आवास में और वोटर कार्ड जो आया हुआ था और वोटर कार्ड हम उन लोग को हैंड ओवर कर दिए हैं और कुछ ग्रामीण यहाँ से आके भी लेके गए हैं हम लोग का हाथ से और जो नहीं बताया है लोग डोर टू डोर जाके मार देंगे। दूसरी बात यह है कि सुकन्या योजना को लेके ग्रामीण के अंदर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हर एक पोषण क्षेत्र में 7 को ही सुकन्या योजना बनने का ऑर्डर है और जिसमें ये लोग 7 गो का चयन कर लिया है और बाकी जो है वो लोग अभी बोल रहा है कि हम लोग का नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको संतुष्ट करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारा ये सोच है कि हम लोग इसको लेके ये जो कल्याण विभाग है उसमें हम लोग बात करेंगे और बात करके अगर कुछ बढ़ाया जाए तो उसको हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। और उसके बाद आंगनवाड़ी में जो पोषाहार मिलता है तो पोषाहार के बारे में भी बात किया है। बच्चा लोग का जो खाना नाश्ता मिलता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़िए, अभी भी बहुत व्यक्ति है जो BLO लोग को नहीं देना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है लोग को काम करने के लिए। उन लोग से भी मेरा अपील है कि वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड जरूर लिंक कराइए ताकि भविष्य में आपको सारा कुछ लाभ मिलते रहे।